हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? गाइस, अभी सुबह सुबह में मैंने मानवीर को चाय बना कर दे दी है। वो जाग गया है, सोनू बैठा है यहाँ पर चिल्ला रहा है, उसे भी दूध पीना है। तो छोटे बच्चे की तरह दूध तो फ्रिज में था तो ठंडा था, तो फिर अभी गर्म किया है। मतलब ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए उसे, पर ठंडा भी तो नहीं पी सकता ना। पर चिल्ला रहा है कब से, जल्दी करो, भूख लगी है शायद इसे, नहीं तो इतना नहीं चिल्लाता है। गैस, अभी मानवीर के लिए मैं बना रही हूँ पूरियाँ। ये कल जो लड्डू बनाया था वो ऑयल तो वैसे भी पड़ा ही था। चलो, लंच हो चुका है रेडी और मानवीर निकल भी गया है स्कूल के लिए। और ये है हमारे यहाँ सुबह का नज़ारा। दोनों खड़े होकर बातें कर रहे हैं। और सोनू ने तो सुबह सुबह दूसरे बिल्ली से फाइट भी कर ली। सोना कौन आवे तू है? सोना ये देखिए, अब इनका यहाँ पर घोंसला बन रहा है। यहाँ पर कपड़े सुखाते हैं हम, वहीं पर ये तो आ गई है। ये देखिए, ये वाली जो डोरी है ना, यहाँ पर अंदर की साइड, वहीं पर ये लोग घोंसला बना रही हैं। एक रात में तो कितना बुन भी लिया है। ये देखिए, हमारे घर पर दीदी आए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे, बोल रहे हैं कि बेटी आएगी मेरे घर। माता रानी, तेरे घर पे लड़की दे बेटा, हमारी दुआ है। मेरी बहुचर माँ, मेरी उमिया माँ करे, तेरे घर पे लड़की आएगी और घर का मकान हो जाएगा जल्दी। लक्ष्मी आएगी तो बेटा। अभी रेंट पर रह रहे हैं तो आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, किराए पे ऐसे छूट जाए। हाँ, मेरी बहन का बंगला हो जाए। अच्छा, ये देखो, मेरी बहन ने मेरे को दो दो दिया है और 50 रुपया नेक भी दिया है। हेलो बेटा, आओ जो अभी अभी जो दीदी आए थे उनको मैंने ये सारी टोकरी दिखाई, बोली कि जितना चाहिए उतना लेकर जाओ बैग, लेकिन उन्होंने मना बोला, एक ही लिया। मैंने ज़बरदस्ती दो दिया। फिर मैंने कहा कि आपको जो पसंद है, आपके साथ और भी होंगे तो उनके लिए भी लेकर जाइए, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, बोले कि नहीं अभी मुझे इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, एक ही लूँगी। सो गाइस, अभी हम रेडी हो चुके हैं और जा रहे थे रमीला मासी के घर पर। जस्ट निकल ही रहे थे और अभी गेस्ट का फ़ोन आया है, तो अभी चेतन जा रहे हैं गेस्ट को लेने के लिए। हमारे रिश्तेदार हमारे गाँव से आए, मतलब चेतन के भाई भाई है ना, बड़े पापा का बेटा आए हैं।
अभी बज रहे हैं रात के 10 और ये दोनों बाप बेटे गए थे बाल कटवाने। तो हो गया मणि आके बाजे मणि तो उपज नहीं रहो मणि को देखते एक बार भाग गया है अंदर। चलिए आज मौका मिला है इनको परेशान करने का। ये ना अचानक से बूढ़े हो गए। दादी में सफेद बाल आ गए तो अभी नेचुरल कलर करवाया तो फिर टी शर्ट निकालेंगे तो वो गंदी हो जाती है ना, इसीलिए ये जुगाड़ करना पड़ता है। स्टॉप। बाल सफेद होना बुढ़ापे की निशानी नहीं है, मन से बूढ़ा हो जाना ही बुढ़ापा है। अभी तो मैं जवान हूँ। चलो अभी ये गए हैं नहाने, मानवीर भी भागता भागता सीधा नहाने गया और सोनू को देखो, सोनू कहीं से घूमता घूमता आया, नीचे ही था, चेतन ऊपर आए तो वो भी साथ में आ गया है, अब यहाँ आकर सो गया है। आज है ना 1:30 बजे गेस्ट आए थे, मतलब हम लोग जाने वाले थे रमी रमासी के घर पर, फोन आया 1 बजे कि अब आप लोग आ जाइए, तो फिर हम लोग निकल ही रहे थे कि गेस्ट आ गए, तो उसके बाद हम लोग नहीं जा पाए और रमीला मासी ने टिफिन भिजवाया हमारे लिए। सो उसके बाद है ना तो 2:30 बजे तो गेस्ट चले भी गए और उसके बाद तो वीडियो का काम भी बाकी रह गया था, तो 2:30 बजे के बाद ही स्टार्ट किया। तो पहले मैंने फिर टॉप का वीडियो किया, चेतन ने व्लॉग का काम किया और मैंने टॉप का किया, तो बज गए थे 5। फिर तो मैं थक गई थी, मुझे एकदम नींद से आ रही थी जैसे, तो मैं तो थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी। फिर 6 बजे मैंने एक वीडियो बनाना स्टार्ट किया, मूड ही नहीं आ रहा था, इतना लेट हो रहा था ना, तो फिर लग रहा था कि अभी नहीं बन पाएगा, तो फिर एक छोटा सा वीडियो बनाया लेकिन बहुत ही अच्छा बन गया है। ये देखिए इस बैग के अंदर ना मैंने ना फोम का इस्तेमाल किया है और ना ही इसके अंदर मैंने कोई अस्तर का यूज़ किया है, बस ऐसे ही सिंपल ही फैब्रिक लिया है। आप अपनी पसंदगी का कोई भी फैब्रिक ले लीजिए, आप चाहे तो पैंट का फैब्रिक भी ले सकते हैं या फिर बेडशीट का भी ले सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी थिक होता है, मजबूत होता है, सो आप उस तरीके का फैब्रिक यूज़ करके इसे बना सकते हैं। ये वीडियो जो है वो टॉप में आएगा, इससे पहले भी नेचुरल में इस तरीके का बैग मैंने बनाया था और सबको बहुत पसंद आया है। तो जब तक कि ये नहा लेते हैं मैं थोड़ी देर यहाँ पर करती हूँ वॉकिंग, क्योंकि मैंने मम्मी पापा ने खाना खा लिया है और मानवीर भी खाकर गया था, खाना तो रेडी था, मैंने इनको बोला वो खाकर जाए लेकिन इन्हें भूख नहीं लगी थी तो फिर इन्होंने नहीं खाया, और मैं अगर इनकी राह देखती ना वैसे तो हम लोग साथ में ही खाना खाते थे, लेकिन अभी प्रेगनेंसी की वजह से वो बोलते हैं कि मुझे खा लेने का, और मैं ज़्यादा टाइम वेट करती हूँ तो फिर एकदम से जैसे वीकनेस आ गई हो मुझमें, कोई शक्ति ही नहीं रही हो, ऐसी हालत हो जाती है मेरी, तो फिर मैं खा लेती हूँ अभी, फिर बाद में दोनों साथ में ही खाएंगे फिर से। मैं वॉकिंग कर रही हूँ तो सोनू भी आ गया, देखो सोनू को भी अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता है, जहाँ पर भी हम जाएंगे तुरंत साथ में आ जाएगा। अभी यहाँ पर और अभी है ना कल से फिर से बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई है, सहन ही नहीं होता है इस तरीके से, और अभी मेरी मेडिसिन भी चल रही है तो मेडिसिन की वजह से और ज़्यादा गर्मी लगती है। सोनू ये देखो सोनू को कितना गुस्सा आ रहा है, उसका मुंह देखो, सोनू को भारी गेम देगी अचानक से, सोनू को फिर छोड़ ही दे मैंने इसे, ए सोनू भारी गेम देगी, तू तो हेयर स्टाइल बताओ तो सोनू ने छोड़, ये देखिए मैंने कौन से हेयर स्टाइल करवा के आया है, इसे टाइम नहीं होता है दिखाने का। सो गाइस आज इनका खाना भी मैं यहीं पर लेकर आई हूँ, तो आज खाने में थी कढ़ी और ऑनियन है, रोटली है, खिचड़ी है और दोपहर की रखी हुई सब्जी थी, तो अभी आप खाना खा लीजिए क्योंकि हमने खा लिया है। ये मेरा एक मैंने ये तोड़ दिया ऊपर से गिरा के,
तो अभी ये दूसरे में मेरा मोबाइल गिर रहा है तो फिर ये जुगाड़ कर रहे हैं। सोनू को भूख लगी है तो ये भी बोल रहा है जल्दी खाना दो। चलो, किसी ने पूछा था कि सोनू क्या खाता है, तो हमारा सोनू सिर्फ कैट फूड खाता है, विस्कास मंगवाते हैं हम लोग सोनू के लिए, और कुछ सोनू को पसंद नहीं आता है, विस्कास ही पसंद है इसे। सो गाइस, इनका खाना पीना हो चुका है कंप्लीट, हमारा तो पहले ही हो चुका था, और अभी बज रहे हैं रात के 11, और सोनू तो मस्त सो गया है वहाँ पर, तो हम लोग भी अब सोने की करते हैं तैयारी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं कल ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना, जय भारत।